पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर संगठन निर्माण में लगे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करके एक एक गांव स्तर पर बूथ स्तर पर हम लोग बूथ इंचार्ज तैयार कर रहे हैं। चूँकि जो अभी जिला पंचायत चुनाव से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, 2022 में आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश में हमने सरकार बनानी है और उसका सिर्फ एक ही कारण है कि हम राजनीति करने नहीं आए थे, लेकिन जो राजनीति में जिस तरह के वातावरण पैदा किया गया, पूरे देश को जो बेचने की जो साजिश लगातार चल रही है, ऐसे में राजनीति को बदलना जरूरी था और राजनीति को बदलने के लिए राजनीति में आना जरूरी था, इसलिए हम लोग राजनीति में आए। और आज आप देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार कोई बिजली नहीं बनाती, हम बीजेपी शासित राज्यों से जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश से बिजली खरीदते हैं, उसके बावजूद वहाँ की सरकारें जो बिजली बना रही हैं अपने प्रदेश की जनता को बिजली सस्ती उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं। हम उनसे कई गुना सस्ती बिजली दिल्ली के लोगों को दे रहे हैं, यहाँ तक कि 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। और दिल्ली एक ऐसा राज्य बन गया है, एक ऐसा सरकार का गवर्नेंस का मॉडल बन गया है जो देश में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के अंदर कोई दूसरी ऐसी सरकार नहीं है जो अपने टोटल बजट का 26% एजुकेशन पर खर्च कर रही हो। लेकिन दिल्ली की सरकार अपने टोटल बजट का 26% एजुकेशन पर खर्च करके हमने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की शिक्षा के स्तर को इतना ऊंचा कर दिया कि आज हम प्राइवेट स्कूलों से बच्चे नाम घटा के सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। वहाँ पे जो हेल्थ का जो 4 लेयर का जो मॉडल हम लोगों ने बनाया है, निचले स्तर पे कॉलोनी के बाहर नुक्कड़ पे मोहल्ला क्लिनिक, जहाँ पे 212 तरह के टेस्ट भी फ्री हैं, सारी दवाइयाँ फ्री हैं, एक क्वालिफाइड डॉक्टर बैठता है, स्टाफ बैठता है, तो वहाँ से आपको छोटी मोटी सारी बीमारियों के लिए आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है और ना ही प्राइवेट हॉस्पिटल प्राइवेट डॉक्टर को 500 रुपये दे के दवाई लिखवाने की जरूरत है। आपको क्वालिफाइड डॉक्टर मोहल्ला क्लिनिक में उपलब्ध है और अगर उससे थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो, ऊपर से उससे ऊपर जाना हो तो पॉलीक्लिनिक है, पॉलीक्लिनिक से ऊपर फिर हॉस्पिटल्स हैं और हॉस्पिटल्स के ऊपर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। और अगर कोई आपका ऑपरेशन होना है वो लंबी डेट मिल रही है सरकारी हॉस्पिटल में, तो जो सरकार के पैनल पे जो हॉस्पिटल प्राइवेट हैं आप वहाँ रेफ़र करा के वहाँ जाके अपना ऑपरेशन करा सकते हैं। सारा का सारा खर्चा दिल्ली की पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर संगठन निर्माण में लगे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करके एक एक गांव इसके पूरे देश को है। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां महिलाओं के लिए बसों में यात्रा फ्री है, जहां बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री है, जहां विकलांगों को 2500 रुपये पेंशन मिलती है, लेप्रोसी के लोगों को 3000 पेंशन मिलती है, विडोज़ को 2500 पेंशन मिलती है, 70 साल और उससे ऊपर के बुजुर्गों को 2500 पेंशन मिलती है, 60 साल से 69 साल तक के को 2000 पेंशन मिलती है। तो दिल्ली का जो एक मॉडल है जो जिसमें सामाजिक सुरक्षा की भावना है, साथ ही साथ जब बच्चे 12वीं कर रहे होते हैं उन्हें इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना है, तो ऐसे में इंजीनियरिंग और मेडिकल के आजकल वो समय गया कि 12वीं के लिए और सीधा आप आ जाएंगे। आजकल एग्जाम ऐसे डिजाइन होता है जो बच्चे कोचिंग करते हैं वही लोग सफल होते हैं, यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज के अंदर भी या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आजकल कोचिंग की जरूरत है और कोचिंग का इतना ज़्यादा खर्च है, लाखों रुपए में खर्च है, तो देश के 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो लाखों का खर्च बच्चों की कोचिंग पर नहीं उठा सकते। तो दिल्ली की सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बना के दिल्ली के बच्चों को अपने सपने साकार करने का मौका दिया है। आज वहाँ बच्चे 46 जाने माने इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, जुडिशरी की, क्लैट की, सिविल सर्विसेज की और तमाम तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग ले रहे हैं। और कोचिंग लेने के लिए अगर आपका आने जाने में सपोज करो किराया लगता है और वो भी आपके माँ बाप नहीं दे सकते, तो बच्चों को 2500 रुपये महीना भी दिया जा रहा है।